हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रामायण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके के लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस जीके के क्वेश्चन में आपको रामायण से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराएंगे। इसमें आपको जो चीज़ें पता नहीं है उसका ज्ञान इसके माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इसी की तरह इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल RKY टेक्निक को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की सीरीज। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रामायण जी की से आ चुका है। क्वेश्चन है, शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? तो दोस्तों, जो राम राम के द्वारा चलाए गए बाण थे, यदि उसको रावण चाहे निष्फल करना तो उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए रजस, ऑप्शन बी नभस, ऑप्शन सी यमस, ऑप्शन डी ऋषभ। तो दोस्तों, शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का जो नाम है आपका ऋषभ है। यदि आपको पता नहीं था तो आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। यदि पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका रामायण अनुसार उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्तवर्णी था? तो आप लोग बताइए, जिसका जल रक्तवर्णी था उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी लोहित सागर, ऑप्शन सी क्षीरोद सागर, ऑप्शन डी भव सागर। तो दोस्तों, रामायण रामायण अनुसार उस समुद्र का नाम था जो जल रक्तवर्णी था वो लोहित सागर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी वे कौन थे? तो दोस्तों, यदि आप जानते हैं इसके जो है राम के जो है दुखमय जीवन की भविष्यवाणी करने वाले महर्षि कौन थे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि नहीं पता है तो आपका ऑप्शन है वाल्मीकि, ऑप्शन सी अत्रि, ऑप्शन सी है दुर्वासा, ऑप्शन डी परशुराम। तो दोस्तों, जिस महर्षि ने राम जी के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी वो आपके थे दुर्वासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह वानर कौन था जो एक सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया? तो आप लोग बताइए, वह वानर कौन था जो सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया? ऑप्शन ए सुशेर, ऑप्शन बी ऋक्षराज, ऑप्शन सी है द्विविधि, ऑप्शन डी गवय। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि नहीं पता है तो करेक्ट आंसर आपको बता दिया जाए, जो थे वो ऋक्षराज थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्नलिखित में से यम के हाथी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, यदि आप लोग जानते हैं यम के हाथी को किस नाम से जाना जाता था रामायण में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए एरावत, ऑप्शन बी विरूपाक्ष, ऑप्शन सी अश्वत्थामा, ऑप्शन डी महापद्म। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है महापद्म। यम के हाथी को जिस नाम से जाना जाता है वह नाम है महापद्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मताली नाम से किस देवता के सारथी को जाना जाता है? आप लोग बताएं, मताली नाम से किस देवता के सारथी को जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रद्युमन, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी कार्तिकेय, ऑप्शन डी इंद्र। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर यदि आपको पता है कि मताली नाम से किस देवता के सारथी को जाना जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आंसर। यदि नहीं पता है तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी का इंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी क्रम में आपका, निम्नलिखित में से कलह प्रिय किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, झगड़ा लगाने वाला इनमें से किसे कहा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर 99% लोग दे सकते हैं मुझे उम्मीद है। ऑप्शन ए ग्रेस, ऑप्शन बी नारद, ऑप्शन सी शकुनी, ऑप्शन डी श्री कृष्ण।
चलिए सभी लोग आंसर करके बताइए कि कलेप्ट्रीय किसे कहा जाता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका नारद को। नारद इधर से उधर जो है इंफॉर्मेशन भेजते रहते थे, जिससे क्या जिसके कारण क्या होता था, एक दूसरे के बीच में कलह होता रहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों। रामायण के अनुसार वह कौन सा देश था जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों रामायण के अनुसार वह कौन सा देश था जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी वाहलीक, ऑप्शन डी मिथिला। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका है वाहलीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी क्रम में। वानर यूथपति केशरी किस पर्वत पर निवास करता था। वानर यूथपति केशरी किस पर्वत पर निवास करता था। ऑप्शन ए सुमेरु, ऑप्शन बी मंदराचल, ऑप्शन सी किसिकंधा, ऑप्शन डी कांचन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर यदि आपको पता है वानर यूथपति केशरी किस पर्वत पर निवास करता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि इसका नाम नहीं पता है तो आपको बता दिया जाए, इसका करेक्ट आंसर आप सभी का कांचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का। दुंदुभि नामक दैत्य का वध किसने किया था। दुंदुभि नामक दैत्य का वध किसने किया था। ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी वाली, ऑप्शन सी अंगद, ऑप्शन डी हनुमान। तो आप लोग को बता दिया जाए, दुंदुभि नामक दैत्य का वध जो किया था वाली ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों इसी क्रम में। रावण की एक सेनापति का विरूपाक्ष का वध किसने किया था। ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी अंगद, ऑप्शन सी हनुमान, ऑप्शन डी श्री राम। तो दोस्तों रावण के एक सेनापति विरूपाक्ष का वध जिसने किया था, उसका करेक्ट आंसर आप सभी का हनुमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तक्षक नाग के शरीर का रंग कैसा था। तक्षक नाग जो था उसके शरीर का रंग कैसा था। ऑप्शन ए धूम्रवर्ण, ऑप्शन बी रक्त वर्ण, ऑप्शन सी पीत वर्ण, ऑप्शन डी नील वर्ण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जो है तक्षक नाग के शरीर का रंग जो था आपका वो रक्त वर्ण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों। नागपाश नामक अस्त्र मेघनाथ को किसने प्रदान किया था। तो दोस्तों नागपाश अस्त्र जो था उसको किसने प्रदान किया था मेघनाथ को। ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी रावण। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आप सभी का है इंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिस वाण का अग्र भाग फरसे के समान हो उसे क्या कहते हैं। जिस वाण का अग्र भाग फरसे के समान हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए शूल, ऑप्शन बी सिंहदृष्ट, ऑप्शन सी वल्ल, ऑप्शन डी छुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से वह कौन सा राजा वरिष्ठ ऋषि के पुत्रों द्वारा दिए गए शाप से चंडाल बन गया था। ऑप्शन ए शंबुक, ऑप्शन बी गय, ऑप्शन डी कुशध्वज, ऑप्शन डी त्रिशंकु। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप सभी का है त्रिशंकु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। संपाति और जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी। तो दोस्तों आपके जो संपाति और जटायु रामायण में थे उनकी दूरी कितनी थी कि वह कितनी दूर तक देख सकते थे। ऑप्शन ए 80 योजन, ऑप्शन बी 90 योजन, ऑप्शन सी 100 योजन, ऑप्शन डी 150 योजन। तो दोस्तों संपाति और जटायु की देखने की जो क्षमता थी वो थी 100 योजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है। हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था। देवराज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अग्नि देव, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी वायुदेव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान जिसने दिया था ये वो थे देवराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। सुग्रीव के राज्य में भालू सेना का सेनापति कौन था। ऑप्शन ए गौवाच, ऑप्शन बी धूम्र, ऑप्शन सी दुर्मुख, ऑप्शन डी गंधमादन। तो दोस्तों सुग्रीव के राज में भालू का सेना जो था सेनापति था वो आपके थे धूम्र। तो दोस्तों इसी की तरह इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे RKY टेक्निक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आप इसी की तरह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम एक वीडियो में 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं, जिसे आप सभी लोग आसानी से देख सकें, पढ़ सकें और वीडियो को पूरा वॉच करें। आपको बिल्कुल मजा आता है और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का। वानर राजवाली किसका पुत्र था। वानर राजवाली किसका पुत्र था। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी वायु। तो
तो दोस्तों वानर राज वाली जो जिसका पुत्र था वो इंद्र का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस ऋषि ने श्री राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी? ऑप्शन में विश्वामित्र, ऑप्शन बी अगस्त, ऑप्शन सी शौनक, ऑप्शन डी सुतीक्षण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, जिस ऋषि ने श्री राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी उसका करेक्ट आंसर आप सभी का अगस्त ने। तो दोस्तों आज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको तो दोस्तों आज की सीरीज हमारी यहीं पर एंड हो रही है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।